भारतीय जनता पार्टी एकात्म परिसर में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा छत्तीसगढ़ की प्रदेश कार्य समिति एवं संयोजक सह संयोजक की बैठक हुई। इसमें भाजपा ने अपनी चौथी बार सरकार बनाने के लिए रूपरेखा तैयार की है। वहीं अनुसूचित जाति मोर्चा को तैयार किया गया है, क्योंकि देखा जा रहा है कि अनुसूचित जाति मोर्चा की टीम पिछड़ रही है। इसी को मजबूत बनाने के लिए बैठक की गई थी। भारतीय जनता पार्टी के एकात्म परिसर कार्यालय में आज अनुसूचित जाति की बैठक हुई। इसमें प्रदेश भर के पदाधिकारी शामिल होकर चौथी बार सरकार बनाने के लिए तैयारी में जुट चुके हैं। आज की बैठक में मंडल और बूथ को मजबूत करने के लिए मोर्चा के लोगों को कहा गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के मिशन 65+ को लेकर सभी मोर्चे की बैठक ली जा रही है। इसी कड़ी में आज अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक एकात्म परिसर में रखी गई थी। इसमें पूर्व सांसद भूषण लाल जांगड़े, पवन साय संगठन महामंत्री, सांसद कमला पाटले, जांजगीर चांपा के प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी, समिति संयोजक सह संयोजक संस्कृति मंत्री दयालदास बघेल, मंत्री समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री ने कहा कि अनुसूचित जाति मोर्चा को प्रदेश में चौथी बार सरकार बनाने जुटना होगा। मोर्चा आगामी चुनाव में अहम भूमिका निभाएगी। राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी व उसका लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुँचाए, वहीं सरकार की योजना का जनता के बीच पहुंचाने का काम किया जाए, ताकि जनता को लाभ मिल सके। देखिए, आप सब लोग तो मजे में जानते हैं कि चुनाव आसन्न है, और ऐसे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोर्चे का विशेष रोल होता है, और जितने भी रिजर्व क्षेत्र होते हैं, खास तौर से चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब का हो, भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक उन सीटों को जीतने का हम लोगों का अभी तक तो यही रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में इस मोर्चे का एक महत्वपूर्ण ये बैठक हो रहा है। प्रदेश में मोर्चा बेहतरीन काम कर रहा है, कार्यकर्ताओं में उत्साह है, और इस बार 65+ का जो हम लोगों का लक्ष्य है, वो लक्ष्य को तो पूरा करेंगे ही करेंगे। और अनुसूचित जाति और जनजाति की जो भी सीटें हैं, लगभग सभी सीटों को हम लोगों का उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालना। देखिए, हम लोगों की रणनीति पुरानी ही है। हम लोग सबका साथ सबका विकास, और हमारे मुख्यमंत्री जी जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, जो एक तरह से सुशासन का एक रोल मॉडल है, तो उसके आधार पर हम लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार कोई कमी नहीं होगी और सभी सीटें हम लोग जीतेंगे। For more information, log on to www.clips.in.